नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्हें व्यापार एवं बाजार के प्रति आकर्षित करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रदेश में हाथ को काम मिल सके, हर हाथ को काम मिल सके और उनकी आमदनी को दुगना किया जा सके। मुख्यमंत्री आज यहाँ कृषि क्षेत्र निदेशकों एवं किसान उत्पादक संगठनों के बीच समझौता हस्ताक्षर समारोह में बोल रहे थे। पलपल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प, वो अपने लिए भी है, प्रदेश की सरकारों के लिए भी है, किसान जगत में काम करने वाले सभी लोगों के लिए है कि हम देश के किसान की आय कैसे डबल कर सकते हैं। सामान्य खेती करने वाला व्यक्ति, उसको बिक्री की भी बड़ी समस्या थी या उस अपनी क्वालिटी को, अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज कैसे सुधारा जाए, ये भी उसकी समस्या थी। किसान जैसा पैदा करता है वैसा ही सोचता है बिक जाए। ग्राहक चाहता है कि नहीं, इसकी शेप बढ़िया हो, इसका स्वाद बढ़िया हो, इसको मेरे घर में ही आ जाए चीज़, पैकिंग इसकी अच्छी हो, तो उसकी चाहत हो गई। उस बीच में हमारा काम शुरू हुआ कि हम जो फूड के प्रोडक्ट में, फूड के रिलेटेड जितनी प्रोसेस है, उसको करने के लिए कंपनीज आगे आई हैं। मैं आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ इन कंपनीज का कि इन्होंने इस सर्विस को देना शुरू किया है। इसमें से कॉस्ट भी कम होगी, इसमें से प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी जा करके मिलेगी खरीदार को, और किसान को घर बैठे उसका लाभ हो जाएगा कि हाँ उसका प्रोडक्ट जो है वहीं, उसको कैसे उसकी पैकिंग की जाए, कैसे उसको ठीक उसको प्रोसेसिंग की जाए। तो ये सारे काम साथ साथ चल गए। हर एक काम के लिए कुछ प्रोग्राम तय होते हैं, तो ये प्रोग्राम तय हुआ कि फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, FPOs। तो FPOs का जो ये कल्पना बनी, हमने इसको 4-5 साल पहले शुरू किया था, 2016 में शुरू किया, और मुझे खुशी आज के 600 के लगभग FPOs बने हैं। FPOs का और कंपनीज का जो हमारा लगभग 30 FPOs और 30 कंपनीज ने आपस में जो MOU किए हैं, इसमें हमारे MOUs के माध्यम से FPOs की इनकम बढ़े, हम उन कंपनीज के माध्यम से अपनी जो सेवाएं हैं उनको दें, और जो भी हमारा अर्निंग है, जो हमारा फेचिंग ऑफ मनी है, वो कैसे हम पास ऑन करें टू फार्मर्स थ्रू FPOs। तो इस FPOs की एक सेंक्टिटी, एक सार्थकता, ये हमारी तभी बनेगी, किसान भी तभी इसमें आगे बढ़ेंगे जब उनको इन FPOs का जुड़ने के बाद कुछ इनकम आएगी, कुछ उनका व्यवसाय अच्छा चलेगा। छोटे छोटे किसान मिल करके FPO बनाएंगे, तो एक प्रकार की कोऑपरेटिव खेती का ही प्रकार है ये। तो FPOs के जो संचालक हैं वो भी ज़्यादा किसानों को लाभ कैसे हो, इसकी ओर आगे बढ़ें।